फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल कैरियर सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के बारे में, यानी कि जिसे हम NCS कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस वेबसाइट यानी इस पोर्टल की जानकारी के लिए हमें कमेंट आया था, साथ में मैसेज भी आया था। तो इस पोर्टल से जुड़ी आपको बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि ये पोर्टल आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा जॉब सर्च करने के लिए बेस्ट वेबसाइट है। आई होप आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। इस पोर्टल के ज़रिए आपको गवर्नमेंट्स जॉब भी मिल सकती हैं, गवर्नमेंट्स जॉब यानी कि गवर्नमेंट्स कंपनियों में, और यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ भी होती हैं। तो जॉब यहाँ पर कैसे ली जाती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, ये सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। इस पोर्टल के ज़रिए गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है जॉब प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आपको कैसे जॉब इस पोर्टल के ज़रिए प्रोवाइड की जाएगी, ये इस पोर्टल के द्वारा अभियान चलाया गया है। सिंपली आपको बता दें कि इस पोर्टल का मतलब क्या है। इस पोर्टल पर आपको करना क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, 10th है या 12th है, या फिर आप डिप्लोमा हैं या डिग्री धारक हैं या मास्टर डिग्री है, सभी के लिए यहाँ पर उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बिल्कुल फ्री यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, आपसे कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन के वक्त आपसे जैसे फॉर्म फिल करते हैं, पूरी आपकी बेसिक डिटेल से लेके क्वालिफिकेशन से लेके सारी डिटेल आपसे मांगी जाती है। और आप जिस जैसे मान के लिए आपने 12th पास आवेदन कर दिया है, और आपने अब आपको करना क्या होगा, आपको वैकेंसी का कैरियर चुनना है, आप कौन सी वैकेंसी का क्या देखना चाहते हैं, यानी किस भर्ती के बारे में आप देखना चाहते हैं। तो मान के चलिए आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर चूज कर लिया, डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्रूटमेंट कहीं भी निकल कर आई होगी, या फिर आगे चल के किसी भी कंपनी के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकल के आती है, तो आपको ईमेल के माध्यम से, आप जो भी मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उनके माध्यम से आप लोगों को क्या है कि सूचित कर दिया जाएगा, आप लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा कि फला कंपनी में वैकेंसी निकल कर आई हुई है, आपको केवल अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद केवल आप सिंपल एक अप्लाई का बटन दबाएंगे और बस आवेदन हो जाएगा इस पोर्टल के ज़रिए, और आपको उस कंपनी में बुला लिया जाएगा और बहुत ही बढ़िया स्किल टेस्ट वगैरह लेके आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जॉब मिलना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको सिंपली यही प्रोसेस अपनाना है जॉब लेने के लिए। अब हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद यहीं पर आपको अप्लाई करने के लिए जॉब सीकर में जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो 3 डॉट दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं, जॉब सीकर में आप आएंगे और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फाइंड कैरियर सेंटर, यानी कि आप यहीं से नौकरी को भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाइंड इंटरनेशनल जॉब, फाइंड काउंसलर जॉब, फाइंड कैरियर सेंटर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी जिन भी कंपनियों में वैकेंसियाँ निकल कर आई होंगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ इंटर्नशिप भी कराती हैं, अप्रेंटिस भी कराती हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, इवेंट के जरिए भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जावा, डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन करके आपको आवेदन करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये NCS है क्या, तो मैंने आई होप आपको NCS पोर्टल के बारे में पता चल गया होगा, मैंने NCS की जानकारी दे दी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक सावधानी आपको ज़रूर बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ रजिस्टर कराई रहती हैं एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, तो बहुत सारी यहाँ पर फ्रॉड कंपनियाँ भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं। फ्रॉड कंपनी कुछ ऐसी होती हैं कि मान के चलो आपने किसी भी कंपनी के लिए आवेदन यहाँ से किए हैं, ठीक है, अगर आपको कॉल वगैरह करता है और वो बताता है कि आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आप समझ लीजिए कि इनके ज़रिए कोई फ्रॉड कंपनी है जो आपसे पैसे वसूलना चाहता है,
क्योंकि इनके पोर्टल पे आप देखेंगे साफ साफ इनकी गाइडलाइंस दी गई है कि किसी भी कंपनी को आप बिल्कुल पैसा मत दीजिएगा, यहाँ पर जो भी काम होगा बिल्कुल फ्री में किया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का सख्त आप लोगों के लिए क्या है कि एक दिशा निर्देश प्रोवाइड की गई है। तो आई होप आपको अब पता चल गया होगा, ठीक है, कि फ्रॉड यहाँ पर किस तरह से हो सकता है। बाकी ये जेन्युइन चीज़ है, यहाँ पर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है और ये गवर्नमेंट का अभियान है। इनका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, आप इनके टोल फ्री नंबर को भी क्या है कि कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करेंगे, इनकी जीमेल वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ये देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट करने का सारा डिटेल, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इनका रजिस्ट्रेशन करके साथ में कैसे जॉब के लिए इस पोर्टल पे अप्लाई करते हैं वो भी वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे ncs.gov.in, आपको देखने को मिल जाएगी ये वेबसाइट। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लें, आपको जॉब बड़ी ही आसानी से मिल सकती है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।